कल शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पे आए थे क्रिकेट का मैच देखने के लिए, और बीच में हमें भूख लग गई तो हमने सोचा कि चलो क्यों नहीं हम इडली मंगवा लें। अब मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि मेरे दोस्तों ने इडली तो बिल्कुल ही छोड़ दी। अब मुझे लगा कि भाई मेरे दोस्तों को इडली भी पसंद है और चाट भी पसंद है, तो क्यों ना मैं इनका एक फ्यूजन डिश बनाऊं और उनको खिलाऊं। तो मैंने उनके लिए इडली चाट बनाई और उनको बहुत बहुत पसंद आई। अब मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहता हूँ ताकि कभी आपके साथ ऐसा कोई मौका आए तो आप भी अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सके। तो आज का बैचलर चस्का है इडली चाट। सबसे पहले हम प्याज और टमाटर काटेंगे। हाँ, ये इडली चाट है लेकिन हम इडली बिल्कुल आखिर में काटेंगे और पकाएंगे, नहीं तो वो पहले से ही ड्राई हो जाएगा। अब ये चाट है तो हम प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। अब हम इस टमाटर को काटेंगे जैसे ही प्याज काटती बिल्कुल बारीक। मैं जैसे काटता हूँ, मैंने तो एक्चुअली बाहर से सीखा हुआ है, लेकिन आपको जैसे भी काटने आप वैसे ही काटिए, आखिर आप अपने दोस्तों के लिए बना रहे हैं। अब हमने प्याज और टमाटर काट लिए। अब बढ़ते हैं हमारे मेन इंग्रेडिएंट जो है इडली। अभी हम उसको काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि वो तलने में आसान रहे और खाने में भी। अब हमारी सारी चॉपिंग हो चुकी है, प्याज टमाटर और इडली, और अब आइए हम इडली को फ्राई करते हैं। अब हम इसमें कुछ मस्टर्ड सीड्स डालेंगे यानी कि राई, और अब हम इसमें कुछ कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी इडली डालते हैं। हमें इस इडली को सिर्फ तब तक पकाना है जब तक वो स्लाइटली ब्राउन हो जाए। और एक छोटा सा टिप है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन ना हो और आपकी इडली चिपक रही हो तो आप थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल सकते हैं ताकि इडली चिपके ना। अब हमारे चाट की सारी चीजें तैयार हैं, अब हम उसको असेंबल करेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और अब प्याज के बाद टमाटर। अब हम ऊपर से अपना दही डालेंगे। अब हम इस पे हमारी हरी चटनी डालेंगे। और अब इसके ऊपर हमारी इमली की चटनी। अब हम ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, और अब इसके ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च। अब ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी बूंदी डालेंगे, और अब ऊपर से थोड़ी सी सेव,
और लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। तो ये था हमारा झटपट इडली चाट। प्लीज बनाकर देखिए, खाइए और सबको खिलाइए। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही क्विक एंड सिंपल स्टार्टर और वो है मसाला इडली फ्राई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडली को बाइट साइज पीसेस में काटेंगे। मैं इडली को छोटे ट्राइंगल्स में काट रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, वो बिल्कुल आप पर है। इस रेसिपी के लिए मैंने लेफ्ट ओवर इडलीज का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप अगर चाहें तो फ्रेश इडलीज बनाकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हमारी इडली कट चुकी है और अब हम इसका मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को आपको 30 सेकंड तक सौते करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई और अनियंस को आपको 2 मिनट तक पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ बड़ा टमाटर। हमें टमाटर मीडियम आंच पर पकाना है जब तक कि वो कम्प्लीटली सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब इसे तीखा बनाने के लिए हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसे हम 30 सेकंड तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इडली फ्राई बना रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा और तेल डालूंगा और हम इसी मसाले में इडली को शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल अब बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें इडली डालेंगे। इसे आप हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि आपकी इडली टूटे ना। तो ये रही हमारी मसाला इडली फ्राई बिल्कुल तैयार। आप अगर चाहें तो इसमें कोई भी सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे कि मटर या फिर गाजर, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। साउथ इंडियन खाना तो सबको बहुत पसंद है, पर साउथ इंडियन खाना बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी जो झटपट बन जाती है, और वो है इंस्टेंट रवा इडली। इंस्टेंट रवा इडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा तेल। तेल गर्म होने पे हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच राई, 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च। इसे अच्छे से चला देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच सफेद उड़द दाल। इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक दाल लाल नहीं हो जाती। अब इसमें जाएगा 1 कप रवा, गैस की आंच आस्ते है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। ये जो सूजी मैंने ली है ये थोड़ी मोटी सूजी है, अब इसे आस्ते आंच पे 7-8 मिनट तक भून लेंगे। सूजी अच्छे से सिक चुकी है, हम इसे अब एक बोल में निकालते हैं, गैस बंद करते हैं। अब इसे 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे।
जब तक सूजी ठंडी होती है तब तक हम इडली का स्टीमर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम गैस शुरू करते हैं। और इसमें डालेंगे पानी। पानी को बॉईल होने देंगे। अब ऑयल से इडली के सांचे को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अब हम लेंगे काजू। एक एक काजू का पीस एक एक सांचे में डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़ी सी घिसी हुई गाजर। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। सूजी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स डाल के अपना इडली का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा एक कप दही। इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसमें जाएंगे थोड़े से मटर, थोड़ी सी घिसी हुई गाजर, आधा कटा हुआ प्याज। इसमें आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अब इस इडली बैटर को 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को। आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ा हो गया है। अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हो। लास्ट में डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और इसे अच्छे से बीट करके इडली के सांचे में डाल देंगे। इसे पूरा ऊपर तक मत भरिए। इस पे हम थोड़ा हल्का सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं जो हमने एकदम दरदरी पीसी है। आप देख सकते हैं हमारी इडलियां बिना पके ही इतनी सुंदर लग रही हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसे स्टीमर में रख देते हैं और 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। हम देखते हैं हमारी इडली हुई है कि नहीं। छुरी एकदम साफ निकली है, इसका मतलब है इडली पक चुकी है। इडली ठंडे होने पर इसे छुरी से निकालेंगे और सर्व करेंगे। गरम इडली को निकालने पे इडली का टूटने का डर रहता है। ये रही इंस्टेंट रवा इडली, गर्मा गर्म एकदम तैयार। ये बहुत ही पौष्टिक है। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ खाएं या टमाटर की लाल चटनी के साथ खाएं। इसे जरूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। इडली एक ऐसी डिश है जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक आप कभी भी खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक डिलीशियस स्नैक जिसका नाम है चाइनीज स्टाइल इडली। इडली ज़्यादातर क्या होता है, आप बाहर से मंगाते हो या घर पे बनाते हो, जब इडली बच जाती है तो उसको रीहीट करते हो तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं एक बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ्रिज से निकाली हुई इडली है, इसके पीसेस कट करेंगे। बट उसके पहले गैस ऑन कर देते हैं और तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे, अराउंड 4 टेबलस्पून ऑयल। अब इडली के 3 टुकड़े करते हैं। अगर आपको चाहिए आप इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। तेल गरम हो गया है,
बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर हम लोग ने इडली को गोल्डन ब्राउन किया है। अब ये मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। परफेक्ट, इडली निकाल दिया है। जो बचा हुआ तेल है यहाँ पर मैं इसमें डालने वाला हूँ जिंजर गार्लिक फाइन चॉप करके रखा है, और जल्द से मैं ये काट देता हूँ। स्प्रिंग ऑनियंस इन, और मेरे पास यहाँ पर चिली सॉस है, टमेटो केचप, थोड़ी सी मिठास, और मेरे पास यहाँ पर है रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स, ये भी गया। आप कोई भी बेल पेपर्स डाल सकते हो। इसे करेंगे मिक्स। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, अब जैसे ही सोया सॉस डाला है इसका कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है, एक स्लरी बनाऊंगा, इसमें जाएगा पानी, अब इसे मिक्स कर दूंगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, ज़्यादातर मुझे मैसेजेस आते हैं कि शेफ आप जब चाइनीज रेसिपी बनाते हो तो आप उसमें सॉल्ट क्यों नहीं डालते हो। सॉल्ट मैं इसलिए नहीं डालता हूँ बिकॉज जो सोया सॉस होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है। सो ये डिपेंड्स आपको कितना सॉल्ट अच्छा लगता है। इसमें भी मैं नमक नहीं डाल रहा हूँ। अब ये स्लरी गया यहाँ, इससे क्या होता है जो ग्रेवी हो थिक हो जाती है। थोड़ा सा करेंगे मिक्स, हल्का सा पानी डाल लेंगे। अब इसमें जाएगी खटास यानी कि विनेगर, थोड़ा सा विनेगर, और एक बार मिक्स। अब फाइनली इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। क्रश्ड ब्लैक पेपर का टेस्ट ही कुछ और होता है, एक नटी फ्लेवर देता है, और एक बार मिक्स। अब जो फ्राइड इडली है वो डालने वाले हैं और इसे टॉस कर देंगे। जैसे ही इडली इसमें कोट हो जाती है मैं गैस ऑफ कर दूंगा। थोड़े से स्प्रिंग अनियन लीव्स इसे चॉप कर देंगे, ये भी जाएगा इस डिश में। अभी मैं इसे मिक्स कर दूंगा। अब मैं ये इस डिश में निकाल दूंगा। स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी और वो है व्रत की इडली या सामा की इडली या उपवास की इडली। ये मैंने लिया है 1 कप सामा के चावल जिसे मैं मिक्सर में डाल दूंगी। 1/2 कप मैंने लिया है साबूदाना। साबूदाना को आपको भिगोना नहीं है, इसे ड्राई ही पीसना है। साबूदाना और सामा के चावल अच्छे से पिस चुके हैं। हमें इसे बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसे थोड़ा सा दरदरा रहने दो जैसे कि सूजी का आटा होता है। अब इसमें जाएगा 1 कप दही। दही को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 कप दही पूरा इसमें चला गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी, हल्का गरम। पानी को भी थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि बीच में गुठलियां नहीं बने।
उपवास की इडली बहुत पौष्टिक होती है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत है और क्योंकि हमने व्रत रखा है हमारा पेट भी भरपूर रहता है पूरा दिन। इसका बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे है। इसे रुक रुक के गिरना चाहिए। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ कड़ी पत्ता, इसमें जाएगा सेंधा नमक, व्रत का खाना है तो नमक तो सेंधा ही होगा। आप चाहो तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। हमारा बैटर तैयार है, इसे हम 10 मिनट तक ढक के रखते हैं। बैटर हमारा रेस्ट हो रहा है 15 मिनट तक, तब तक हम अपना इडली का स्टीमर रेडी कर लेते हैं। हर एक इडली मोल्ड को हम अच्छे से तेल लगाएंगे ताकि इडली आसानी से निकल जाए। गैस शुरू करते हैं। स्टीमर में मैंने ऑलरेडी पानी डाल के रखा हुआ है, इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। इनो डालने से ये एकदम हल्का हो गया है। इनो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है इडली के बैटर में, अब हम इसे इडली के स्टैंड में डालते हैं स्टीम करने के लिए। दूसरा इडली का मोल्ड भी भर लेते हैं। गैस की आंच आस्ते करेंगे। इडली की ट्रे बीच में डालेंगे। अब ढक्कन लगा देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। बीच में हम खोल के चेक भी कर सकते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, गैस बंद करते हैं। आप देख सकते हैं इडलियां अच्छे से फूल गई हैं। छुरी एकदम साफ निकली है, मतलब कि आपकी इडलियां अच्छे से पक चुकी हैं। इडली को बाहर निकाल के रखते हैं और हम वेट करेंगे कि जब तक इडली ठंडी नहीं हो जाए। इडली को हल्के हाथ से निकाल लेंगे क्योंकि अब इडली ठंडी हो चुकी है। ये रही हमारी झटपट बनने वाली व्रत वाली इडली। ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जालीदार भी बनती है। और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। इडली तो हम सभी ने खाई है, पर जो आज हम इडली बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही हेल्दी इडली है और वो है ओट्स इडली। ये हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे एक कप ओट्स। ये जंबो ओट्स हैं जो थोड़े बड़े रहते हैं। इसे आस्ते आंच पे 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ओट्स अच्छे तरह हमने रोस्ट कर लिए हैं, गैस बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ओट्स ठंडे हो जाते हैं हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। जब तक ओट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इडली का तड़का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे तेल, एक चम्मच राई,
कड़ी पत्ता, चने की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था, उड़द की दाल, इसे थोड़ी देर तक फ्राई कर लेते हैं। दाल फ्राई हो चुकी है, अब इसमें डालते हैं अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट मैंने बनाया है। गैस की आंच थोड़ी आस्ते करेंगे और अब डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून काजू। अब डालेंगे 1/2 कप सूजी। आस्ते आंच पे सूजी को 2-4 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारा रवा पकता है हम ओट्स पीस लेते हैं क्योंकि वो अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम डालेंगे घिसी हुई 1 गाजर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़े से उबले हुए मटर। और लास्ट में जाएगा धनिया पत्ता। गैस बंद करते हैं और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। लास्ट में एक और स्पिन देंगे ओट्स को। ओट्स का पाउडर एकदम बारीक हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। जब तक रवा ठंडा होता है हम तब तक अपने इडली का कुकर तैयार कर लेते हैं और सबसे पहले इसमें डालेंगे पानी। जब तक पानी उबलता है हम ट्रे में तेल लगा लेंगे। अब डालेंगे इसमें ओट्स का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 कप दही। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे इडली बैटर की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होती है उतना होना चाहिए। थोड़ा और पानी जाएगा, इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम अपनी इडली की ट्रे फिल करते हैं। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे 10-15 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं ओट्स इडली तैयार है कि नहीं। और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। ओट इडली ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे निकालते हैं।
ये रही हेल्दी ओट्स इडली एकदम तैयार। इसे जरूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।